सत श्री अकाल जी प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। स्वागत करता हूँ आप सबका आप सबके चैनल SS बिल्डर्स ग्रुप के ऊपर। दोस्तों, मैं शरणजीत सिंह आज आपको दिखाने लगा हूँ 140 गज का घर, जिसका साइज रहेगा 25x50 और लोकेशन रहेगी सेक्टर 125 सनी निकलेव। बहुत अच्छा बिल्टअप किया गया है, डबल स्टोरी घर है दोस्तों, मॉन्टे के साथ, और वेस्ट फेसिंग रहेगा सनी निकलेव के डेवलप एरिए के अंदर। पूरा एरिया डेवलप हो रखा है, 25 फुट फ्रंट रहने वाला है तो 50 फुट लेंथ रहने वाली है। बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्ट किया गया है, मॉडर्न एलिवेशन के साथ। पूरे एलिवेशन के ऊपर आपको टाइल मिलने वाली है। रोड 30 फिट की है घर के सामने। प्रॉपर पूरे एरिया में ग्रीनरी मेंटेन की गई है। प्लांट्स वगैरह जैसे जैसे ग्रीन एरिया मिलेगा वैसे वैसे लगे हुए मिलेंगे आपको, और घर के साथ भी पर्सन एक छोटा सा गार्डन मिल जाता है जिसमें आप अपनी ग्रीनरी मेंटेन कर सकते हो। ऑलरेडी हम लोग एक बड़ा प्लांट इसके अंदर आपको इंस्टॉल करके दे रहे हैं। तो रेनिंग सीजन है, मेरी आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि जितना हो सकता है प्लांट्स लगाएं और नेचर के साथ जुड़ के रहें। ये एक अच्छा एरिया आ गया जिसमें आप अपने फ्लावर्स या वेजिटेबल्स लगा सकते हो। ये हमारी एंट्री रहेगी, यहाँ से 2 गाड़ियों की पार्किंग है, स्लाइडिंग गेट है, इसलिए आपको 2 गाड़ियाँ आराम से पार्क की जा सकती हैं। 25 फुट फ्रंट रहने वाला है, 4 BHK में बनाया गया है पूरे घर को। स्टेयर बाहर से है। रेंटेड इनकम के लिए देख रहे हो तो एक अच्छी प्रॉपर्टी है, 1,30,00,000 की डिमांड में ये, तो बड़ा जेन्युइन प्राइस रखा गया है। यहाँ पे अपना 2-व्हीलर पार्क कर सकते हो और प्लस 2,000 लीटर प्लस की कैपेसिटी का अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक मिल जाता है आपको। और खुली डुली पार्किंग रहने वाली है, वाइड 25 फीट फ्रंट के साथ, और ये एक लंबी वॉल जो एंट्रेंस पे आपको मिलेगी, पूरी वॉल्स के ऊपर वॉल टेक्चर मिलने वाला है, और साथ में कटआउट में विनियर का और फैंसी लाइट्स का वर्क। पार्किंग के एरिया के अंदर भी आपको डाउनफॉल सीलिंग मिलने वाली है प्रोफाइल लाइट के साथ। तो ये सामने मेन एंट्री रहेगी घर की, स्टेयर बाहर से है और स्टेयर्स के नीचे भी आपको स्टोरेज मिल जाती है। इस घर की जो आस्किंग प्राइस रहने वाला है वो है 1,30,00,000, 1 crore 30 lakh, 140 गज, 4 BHK डबल स्टोरी। ये हमारी मेन एंट्री रहेगी। एंट्रेंस करते ही आप देख सकते हो टीक वुड का डोर मिलने वाला, दिले वाला आपको, और 10 इंच पर 2.5 इंच की मेन की चुकाट रहने वाली है। एंटर करते ही राइट इन साइड पे बहुत खुला डुला ड्रिंक कम डाइनिंग एरिया मिलता है आपको, मतलब एक बड़ा वाइड ड्रिंक कम डाइनिंग एरिया। एक लंबी वॉल मिल जाती है जिसपे वुडन का और ग्लास का वर्क मिलने वाला है, और यूनिक सी यहाँ पे डिफरेंट डिजाइनिंग के साथ आपको डाउनफॉल सीलिंग मिल जाती है। दोस्तों, अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और यहाँ तक आप सबने हमें सपोर्ट किया उसके लिए बहुत थैंक्स। उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी सपोर्ट करते रहोगे और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहोगे। तो देखिए, सामने एक बड़ी विंडो मिल जाती है, ड्राइंग रूम में 8-10 सीटर सोफे की सीटिंग बन जाती है। डाइनिंग एरिया में भी काफ़ी अच्छी वाइड स्पेस मिल जाती है आपको। यहाँ पे आपका 6 सीटर और 8 सीटर डाइनिंग टेबल मिल जाता है स्पेस उस हिसाब से आपको, और डिफरेंट यूनिक सी डाउनफॉल सीलिंग मिल जाती है। लंबी वॉल जो ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया के साथ कनेक्ट रहने वाली है, जो दोनों पार्ट्स को जोड़ती है, उस पूरी वॉल के ऊपर वुडन का और ग्लास का पार्टीशन है। वेंटिलेशन के लिए सामने एक बड़ी विंडो दी गई है जिससे नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन प्रॉपर मिलता है आपको। तो हम लोग बिल्डर हैं दोस्तों, अगर आप ट्राई सिटी चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, सनी निकलेव में कोई प्लॉट, कोठी या कोई फ्लैट प्लान कर रहे हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए। काफ़ी जेन्युइन प्राइस की प्रॉपर्टियाँ मिलने वाली हैं आपको SS बिल्डर्स ग्रुप के ऊपर, सबसे लोएस्ट बजट की और सबसे ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज आज की डेट में। दोस्तों, अगर सनी निकलेव में प्लॉट प्लान करते हो तो 140 गज का प्लॉट अप्रॉक्सीमेटली लेके चलो 70-75 लाख के रेंज में प्लॉट मिलता है। रजिस्ट्री नक्शा डाल के 80 लाख का प्लॉट हो जाता है, तो 50 लाख रुपये ऊपर लगता है। एट पार ही डिमांड रखी गई है, बड़े जेन्युइन प्राइस के ऊपर इसको सोल्व कर रहे हैं। तो ये रहा किचन का एरिया, देखिए प्रॉपर डाउनफॉल सीलिंग का वर्क किचन में मिल जाता है। डबल डोर फ्रिज का प्रोविज़न रहेगा और डार्क और लाइट शेड का कंट्रास्ट और ओपन ड्रॉर्स मिल गए आपको। यहाँ पे बास्केट्स वेजिटेबल्स मिल जाती हैं, वेंटिलेशन के लिए बड़ी विंडो, ड्यूल सिंक और ब्लैक ग्रेनाइट काउंटर जो रहने वाला है किचन का। तो 2 बेडरूम है दोस्तों ग्राउंड फ्लोर पे। फर्स्ट बेडरूम देखिए अभी आप, कपबोर्ड जो रहने वाले हैं फुल हाइट हैं और डाउनफॉल सीलिंग का वर्क बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, और सामने एक बड़ा LED पैनल्स भी आपको मिल जाता है।
जोड़ी पल्ला कपबोर्ड रहने वाले हैं ग्लास प्रोफाइल डोर के साथ, और ड्रेसिंग यूनिट भी बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। और सामने एक LED पैनल्स जिसमें पाइन कवर भी आपको मिल जाएगा, ग्लास प्रोफाइल के डोर रहने वाले हैं, और साथ में आपको प्रोफाइल लाइट्स मिल जाती है हाईलाइट करने के लिए। और देखिए कितने अच्छे कबर्ड्स ड्रॉर के साथ ये ड्रेसिंग यूनिट आ गया है यहाँ पे। तो रेंटेड इनकम के लिए भी अच्छी है ये प्रॉपर्टी, क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया के अंदर है। देखिए अटैच वॉशरूम रहने वाला है, और काफ़ी यूनिक यहाँ पे वॉल टाइल्स आपको डार्क और लाइट शेड्स में मिल जाती हैं, और वॉशरूम के अंदर भी आपको दो कंट्रास्ट हाईलाइट किए गए हैं, एक शावर एरिया के अंदर, एक जहाँ पे टॉयलेट शीट्स का प्रोविजन है वॉल हैंगिंग का उस एरिया के अंदर। और वेंटिलेशन वेंटी ऑलरेडी यहाँ पे मिल रहा है आपको। अब चलते हैं सेकंड बेडरूम की ओर। दोनों बेडरूम काफ़ी वाइड रहने वाले हैं, स्पेस बहुत अच्छा मिलने वाला है। इस साइज़ के अंदर भी आपको इतने अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया घर को, और डिफरेंट डिज़ाइनिंग की यहाँ पे डाउनफॉल सीलिंग, एक यूनिक सा डिज़ाइन यहाँ पे देख सकते हो कबर्ड्स का, LCD पैनल्स का आपको मिलने वाला है। और देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे कबर्ड्स को डिज़ाइन किया गया है। और जो घर का बैक एंड बेड़ा रहने वाला है, उस बेड़े की कनेक्टिविटी भी इस बेडरूम के साथ ही रहेगी। और ड्रेसिंग के साथ जो कुशन का वर्क मिल रहा है वो तो और भी खूबसूरत तरीके से खूबसूरती को और चार चांद लगा रहा है इस बेडरूम की। और अटैच वॉशरूम यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वुडन का और डार्क ब्लैक हाई ग्लॉस वॉल टाइल्स आपको मिल रही हैं। और ये आगे घर का पिछला बेड़ा, इस एरिया को आप अपने वॉशिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की ओर। फर्स्ट फ्लोर पे एंटर करते ही खुली डुली बालकनी मिल जाती है आपको, और यहाँ पे भी देखो आपको कितना अच्छा टेक्सचर का वर्क मिलने वाला है। स्टेयर्स परमानेंटली सेकंड फ्लोर के साथ कनेक्ट रहने वाली हैं। लंबी बालकनी मिलगी यहाँ पे, आपकी सेटिंग में बन जाती है, किसी वॉल को फ्री नहीं छोड़ा गया। या तो हर बॉल के ऊपर वॉल टाइल्स मिलने वाली हैं, या फिर टेक्सचर का वर्क मिलने वाला है आपको। फर्स्ट फ्लोर को भी काफी अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है। यहां से फर्स्ट फ्लोर की एंट्री होती है हमारी, जाली वाला पल्ला इतने भी थोड़ा मिल जाता है, और मेन डोर यहाँ पे भी दिलों वाला मिलने वाला है, बटन का डोर रहने वाला है। और राइट हैंड साइड सामने एक बड़ा LED पैनल्स, और काफी स्पेसेस आपको मिल जाता है यहाँ पे, ड्रिंक कम डाइनिंग एरिया। सेम वॉल्स जैसे ग्राउंड फ्लोर पे बनी हुई हैं वैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे आ गई, मतलब सेम साइज ही रहेगा। 25 फीट फ्रंट और 50 फीट लेंथ में 140 गज का घर 1,30,00,000 की डिमांड पे रहेगा, नेगोशिएबल प्राइस रहेगा ये। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास, लोएस्ट बजट में भी हैं और हाईएस्ट बजट में भी हैं, डिपेंड ऑन लोकेशन है सारा कंसेप्ट। तो देखिए बहुत अच्छी डाउनफॉल सीलिंग यहाँ मिल जाती है, सामने एक बड़ा LED पैनल मिल जाता है आपको। फर्स्ट फ्लोर पर भी दो बेडरूम रहने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट से देख रहे हो तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है ये इस बजट में। यहाँ पे भी आपको वुडन शेड और ग्रे शेड की किचन के बॉक्सेस मिल जाते हैं, डाउन फॉल्स मिल जाती है, और डबल डोर फ्रिज का प्रोविज़न,
और ये दो बेडरूम रहने वाले हैं अटैच वाशरूम के साथ। फ्लोरिंग जो रहेगी पूरे घर में टाइल्स रहने वाली हैं और डिफरेंट कि यहाँ पे आपको डाउनफॉल सीलिंग का वर्क मिलने वाला है। फुल हाइट कबर्ड्स मिलेंगे यहाँ पे स्लाइडिंग, और सामने एलईडी पैनल्स मिलने वाला है ड्रेसिंग यूनिट के साथ। प्रॉपर कबर्ड्स आपको मियानी के साथ मिलने वाले हैं स्लाइडिंग, और ड्रेसिंग यूनिट के साथ भी आपको स्टोरेज मिल जाती है। और सामने देख सकते हो आप अटैच वाशरूम, फर्स्ट फ्लोर पे वॉल हैंगिंग शीट्स का प्रोविजन मिलने वाला है आपको, और डार्क और लाइट शेड के साथ ही इस पूरे वाशरूम को डिज़ाइन किया गया है। अब चलते हैं फोर्थ बेडरूम की ओर। काफ़ी यूनिक यहाँ पे भी आपको डाउनफॉल सीलिंग का वर्क मिलने वाला है। पूरे घर में पूरी हैवी डाउनफॉल सीलिंग है। स्लाइडिंग कबर्ड्स ओपन बॉक्सेस के साथ यहाँ पे मिलेंगे आपको, और सामने के एलईडी पैनल्स, साथ में ड्रेसिंग एरिया के लिए लुकिंग मिरर, और मियानी का वर्क यहाँ पे आपको चूड़ी पल्ले के साथ मिल जाता है। और ये एलईडी पैनल्स रहने वाले हैं और अटैच्ड वाशरूम में देखिए यहाँ पे भी लाइट और डार्क शेड्स का कंट्रास्ट ही यूज़ किया गया। वॉल टाइल्स, फुल हाइट वॉल टाइल्स आपको मिल जाती हैं, और ये वाशिंग एरिया के लिए बैक एड बीड़ा आ गया छोटा सा वेंटिलेशन के लिए। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं सेकेंड फ्लोर की ओर। रूफ टॉप तक इसकी स्टेयर्स आ रही हैं, मॉन्टी का एरिया आ गया, काफ़ी अच्छा वाइड मॉन्टी का एरिया रहेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अगर स्क्रीन अगर आपकी और कोई भी प्रॉपर्टी हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। दोस्तों हम लोग बिल्ड रहे हैं ट्राई सिटी चंडीगढ़ मोहाली पंचकुला सनी क्ले में कोठियाँ बना के सेल करते हैं। तो अगर आप हमारे से कॉन्टैक्ट करोगे, अगर आपकी जेन्युइन कोई रिक्वायरमेंट है तो काफ़ी जेन्युइन प्राइस के ऊपर आपको मिल जाएगी। यहाँ तक आप सबका वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं एक और घर के साथ। गॉड ब्लेस यू दोस्तों।